बोलिए वो बम बताए गए हमारे भतीजे की शादी थी। शादी से हम लोग परिवार सहित गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय वहीं चित्रकूट धाम में बीच में है, उसी जगह एक डिवाइडर था। डिवाइडर एक तरफ अच्छा था, एक डिवाइडर गड़बड़ था। हमने कहा जो अच्छा डिवाइडर उस तरफ चलिए। वहीं मोड़ते समय दो दो लोग आए, तीन मोटरसाइकिल थे और बम और कट्टे से मारने लगे और तीनों ने चलाया कट्टा बम मारा और मार मार के निकल गए। हमने 100 नंबर डायल किया, कोई नहीं आया। बगल में बुढ़ा से आया, कहाँ है, बगल में हॉस्पिटल है वहाँ ले जाइए। विवाद हुआ था, हमारा छोटा भाई प्रधानपति जो हुआ है वो प्रधान हो गया था, उसका पत्नी प्रधान चुनाव जीत गई थी। तो उसके बाद एक बार और घटना घटी थी तो उसमें 3 साल का मुकदमा दर्ज हुआ, 2 मुलजिम उसमें जेल में अभी बंद है। हाई कोर्ट में बेल लगी थी, बेल खारिज हो गई, वो 10 तारीख फिर लगी है। चुनावी रंजिश की वजह से हुआ है। जनपद चित्रकूट के थाना करवी क्षेत्र में खो इलाके में एक शादी थी। उस वैवाहिक कार्यक्रम होने से कौशाम्बी के लोग आए हुए थे, जिसमें अशोक कुमार सरसावा के और उनके भाई और उनके बच्चों का परिवार एक बलोरे गाड़ी में जा रहा था, जिस पर कुछ लोगों ने उस गाड़ी को रोक के उस पर बमों और राइफल्स से कट्टे से हमला किया, जिसमें 3 व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक की हालत ज़्यादा नाजुक है। अन्य 5 बच्चों को बारूद के छींटे पड़े हुए हैं। सभी उन सामान्य रूप से घायल बच्चों का प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया है और 3 लोग को इलाहाबाद रेफर किया गया है। इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई है और इनके ढूंढने का और दबिश का मुलजिमों का कार्रवाई चल रही है। घटने के पीछे जो है मुख्य रूप से प्रधानी की रंजिश बताई गई है और इसकी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें बताया गया है कि इनके इस घटना को इसी तरह की घटना इनके साथ पूर्व में भी घटित हो चुकी है कौशाम्बी जनपद।